देख रहे हैं आप आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ममता के राज में साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के 3 साधु गंगा सागर मेले के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे थे, रास्ते में भीड़ ने उन्हें पीटा। हालांकि पुलिस ने कुछ और ही कहानी बताई है। पुलिस ने बताया कि साधु अपना रास्ता भूल गए थे, उन्होंने कुछ लड़कियों से रास्ता पूछा, लोग उनकी बात नहीं समझ पाए और पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कई सारे साधु संत अपनी गाड़ी से जा रहे थे, वो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। पुरुलिया की ये घटना है पश्चिम बंगाल, जहां साधुओं की पिटाई और रास्ता पूछने पर पिटाई। लेकिन क्या ये वाकई सत्य है जो पुलिस बता रही है थ्योरी, कि रास्ता पूछने पर पीट दिया गया? हम लोग इधर से जा रहे थे गंगा सागर के लिए, तो इधर से कुछ महिलाएं साइकिल से जा रही थी। अब ये प्रभु की कृपा जो कि हमको देख करके वो कुछ भयभीत यानी डर गई। जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव वालों ने हमको रोक लिया। जब रोक लिया तो हमने कहा भाई क्या बात है कि कुछ समय रुकिए। इतने में ही भगवान जाने बोली हमारी समझ में नहीं आ रही थी, वो 10-20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगे। जब मारने लगे उन्होंने कहा कि आपने महिलाओं को पकड़ा है। हमने हमने नहीं पकड़ा है, न महिलाओं से हमारी कोई बात हुई है। तो इतने में ही मारपीट करने लगे, गाड़ी को तोड़ने लगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन क्राइम किया। तो लोकल पब्लिक आ गई और उनको घेर के गोड़ांगी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वैंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैन हैंडल किया। पुलिस के पास जब खबर आया, पुलिस इमीडिएटली रश टू द स्पॉट एंड इवैक्यूएटेड द साधुस। पुलिस प्रोवाइडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। द वैंडलाइज व्हीकल वॉज रिफर्ड। एक केस स्टार्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट सबमिटेड बाय द साधुस। 12 पर्सन हैव बीन अरेस्टेड सो फार, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। चलिए कुछ जानकारी आप सभी तक पहुंचा देते हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस घटनाक्रम को बंगाल की सरकार को घेर रही है, कहती है कि टीएमसी के गुंडों ने पीटा साधुओं को, और पुलिस का कहना कि भीड़ ने पिटाई की है, कुछ गलतफहमी हो गई थी। पीड़ित साधु कह रहे हैं कि पुलिस ने जान बचाई। चलिए, पुलिस का धन्यवाद तो दे रहे हैं ये, लेकिन अब प्रतिक्रिया आ रही है, बयान क्या है सुनवाएंगे। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है उसकी पाई पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टिकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्म भूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी ना मनाने दिया जाए, और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया, और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है? तो पश्चिम बंगाल पुरुलिया की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन दलों की आज वर्चुअली बैठक होनी है और इस बैठक में सिर्फ पार्टी प्रमुख शामिल होंगे। इस बैठक का एजेंडा क्या है इंडिया गठबंधन दलों ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पीएम का चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, और सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्या होगा। कांग्रेस इसको लेकर अलग अलग दलों से बैठक कर चुकी है। सीट साझा करने को लेकर जो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, आज इस पर कुछ ठोस निर्णय संभावित है। अभी तक कई राउंड की बैठक हो चुकी है ये वर्चुअल मीटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं नृपेंद्र मिश्र से खास बातचीत अंजना ओम कश्यप की। बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई
तब तुम आए। ये वो क्षण है निरंजन जिसे दशरथ भी देख ना पाए। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छिपाए, राम आएंगे कैसे मंदिर सजाए, कैसे फूलों से सजाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भजन के जरिए जो देश में इस वक्त भावना है उसको रखा, लेकिन इसी के साथ राम आएंगे हमारी इस विशेष कवरेज में आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, और जहां पर पूरे देश की नजर टिकी है उसी नव निर्मित राम मंदिर के सामने हम मौजूद हैं। हमारे साथ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र जी शामिल हो रहे हैं इस बातचीत में। सभी को भगवान के पहुंचने का इंतजार है, और आपकी तो आंखों से, आपकी नजरों से ये सब कुछ गुजरा है। सबसे पहले बताइए, अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, आपका हर्ष कहाँ पर है? अभी हर्ष की बात तो मैं बाद में करूंगा जी। अभी तो मन में एक तरीके से अनिश्चितता भी है। इसलिए है कि कार्य को पूरा करना है जी। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने बिलियंस की संख्या में, करोड़ों की संख्या में राम भक्तों को, देश के नागरिकों को, अलग अलग धर्म में जो लोग विश्वास रखते हैं उन सभी को यह आश्वासन दिया था कि दिसंबर 31, 2023 तक मंदिर का ग्राउंड फ्लोर निर्माण हो जाएगा और वहाँ भगवान प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो ये आपने सही कहा, आपने प्रारंभिक जो आपने टिप्पणी की कि सचमुच राम लौटे हैं अयोध्या, और 22 तारीख को वही बालक राम यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा उनके गर्भगृह में होगी। तो एक समर्पण की भावना मन में है। लोग प्रायः अच्छी बातें भी कहते हैं, तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये तो एक तरीके से डिवाइन है, ये कार्य मिलना, इसकी प्रगति होना। और मैं आपसे एक सचमुच शेयर कर रहा हूँ आपके माध्यम से, सभी आपके तो बहुत बड़ा आपका वाइड कवरेज है आपके चैनल का, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इस कार्य में कभी भी कोई बाधा नहीं हुई। अपने आप बाधाएं आई, चुनौतियां आई, और उनका समाधान निकला, चाहे वह इंजीनियरिंग के हों, चाहे वह वित्तीय हों, चाहे वह प्रशासनिक हों, चाहे इमोशनल हों, चाहे रिलीजियस हों, हर प्रकार की भावनाओं और हर एक बिंदु पर सभी को चर्चा का अवसर भी मिला जी। लेकिन यह बात सही है कि ऑल ऑफ अस हु आर इन्वॉल्व, वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, एक हम तंत्र हैं, उस जरिया हैं कि यह भगवान राम का मंदिर बन रहा है। कोई और चाहता है, कोई दैविक एक तरीके से शक्ति चाहती है कि अब भगवान राम को उनके बाल अवस्था में वापस वहीं कर दिया जाए जहां से वो उनका सब जीवन चला था। आप जहां खड़ी हैं वह हमें ध्यान से आप कृपा करके दिखला दें कि ये परकोटा है, ये वाला, आगे वाला परकोटा जी, ये परकोटा है। और श्रद्धालु आने वाले दिनों में 23 तारीख से वो इधर ना मुड़के वो इधर मुड़ेगा, और इधर मुड़कर इसी परकोटा से वो नीचे जाएगा सीढ़ियों से, और तुरंत उसको भगवान का मंदिर दिखाई देगा। अंडरग्राउंड? नहीं, अंडरग्राउंड नहीं है, ये बिल्कुल आप समतल समझें ग्राउंड में। फिर वो करीब 32-37 सीढ़ियां चढ़ेगा, उन सीढ़ियों में उसको गज द्वार, सिंह द्वार, हनुमान जी और गरुण जी का आशीर्वाद मिलेगा, और फिर वो पहुंच सकेगा। वो सब मूर्तियां लग गई हैं, आप देखेंगे उसको 23 को, और फिर वो मंदिर में जा सकेगा। आपने पूछा भगवान कैसे दिख रहे हैं, भगवान गर्भगृह में है, भगवान वहां पर संभवतः 16-17 तारीख को, जो कि हमारे एक सारे ऐसे लोग जो कि धार्मिक एक उपासना और एक संयम अनुशासन
का पालन करते हुए उस तारीख तक पहुंचेंगे। ऐसे चुने हुए लोग 16 तारीख से पूजा करेंगे, जबकि भगवान यहाँ पर आ सकेंगे, स्थापित हो जाएंगे, सिंहासन पर स्थापित हो जाएंगे। स्वर्ण का सिंहासन है जहाँ वो स्थापित होंगे। उनकी जो है श्याम वर्ण है, रामायण में भी है जी।